तो कैसे आप लोग, आज हम मार्च और अप्रैल के महीने में रिलीज होने वाली 15 बड़ी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में थिएटर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। इस लिस्ट में मैंने बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा की सारी फिल्मों को ऐड किया है जो कि हिंदी भाषा में रिलीज होने वाली है, और ये लिस्ट की जितनी भी फिल्में ना काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो प्लीज़ एक भी फिल्मों को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए लाइक बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं। नंबर 50 प्लेस पे झुंड। झुंड अमिताभ बच्चन की आने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसमें हम सबको विजय भट्ट जी की कहानी देखने मिलेगी, जो कि एनजीओ स्लम सॉकर के फाउंडर रह चुके हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, आकाश तोसार और रिंकू राजगुरु दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है नागराज मंजुले, जो कि फेंड्री और सैराट जैसी बेहद ही पॉपुलर मराठी फिल्मों को डायरेक्शन दे चुके हैं। ये इनकी पहली हिंदी फिल्म होने वाली है, तो ऑल द बेस्ट। इस फिल्म को 4 मार्च को रिलीज करने वाले हैं थिएटर्स में। ओ सर, ये देखो ये क्या बोल रहा, भारत मतलब। नंबर 40 प्लेस पे 80। 80 सूर्या की आने वाली एक बड़ी फिल्म है। 2020 में सोरा रे पोटुआ और 2021 में जय भीम जैसी मास्टरपीस फिल्म आने के बाद ये फिल्म भी हिंदी भाषा में रिलीज होने वाली है। दोनों फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, लेकिन ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म तमिल सिनेमा की आने वाली है, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म में सूर्या, प्रिया, अरुण मोहन दिखाई देने वाली है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है पांडिराज, और ये फिल्म को 10 मार्च को रिलीज करने वाले हैं। ये फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषा में रिलीज होने वाली है, और फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया डी ईमान और फिल्म को प्रोड्यूस किया सन पिक्चर्स। तुम मेरे साथ हो, डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 30 पे राधे श्याम। राधे श्याम इंडियन सिनेमा की आने वाली अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महंगी रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है, और ये फिल्म को 350 करोड़ की बजट पे बनाया गया है। इस फिल्म में प्रभास और पूजा हेगड़े दिखाई देने वाली है, और ये फिल्म में सचिन खेड़कर, प्रियादर्शी पुलिकोंडा, भाग्यश्री, मुरली शर्मा और कुणाल रॉय कपूर सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है राधा कृष्णा कुमार, और ये फिल्म की कहानी 1970 में सेट होने वाली है यूरोप में, और ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज हो रही है 2022 के मौके पर पैन इंडिया लेवल पर। प्यार के बारे में आदित्य का प्रेडिक्शन गलत है। ये कहानी एक जंग है प्यार और किस्मत की। नंबर 12 प्लेस पे द कश्मीर फाइल। ये बॉलीवुड के आने वाली एक रियल मच अवेटेड फिल्म है। इस फिल्म की कहानी कश्मीरी पंडित पे बेस्ड होने वाली है, और ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज हो रही है राधे श्याम के साथ। इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर है विवेक रंजन अग्निहोत्री, जो कि उससे पहले द ताश्कन फाइल जैसे कमाल की फिल्में बना चुके हैं, और ये फिल्में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी और काफ़ी लंबी चौड़ी प्रॉमिसिंग सपोर्टिंग कास्ट है। ये फिल्म काफ़ी अच्छी हो सकती है, इस फिल्म को आप लोग को सपोर्ट करना है, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर काफ़ी 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 अच्छा था। लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजे उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। नंबर 11 प्लेस पे जेम्स। जेम्स कनाडा सिनेमा के आने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है। इस फिल्म के लिए सभी लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पुनीत राजकुमार की आखिरी फिल्म है। इस फिल्म में पावर स्टार पुनीत राजकुमार के साथ प्रिया आनंद दिखाई देने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्शन दिया चेतन कुमार, और फिल्म का टीजर काफी अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड स्कोर पुनीत राजकुमार सर जी इस फिल्म में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इस फिल्म को 17 मार्च को रिलीज करने वाले हैं। कन्नड़ा के साथ साथ ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में रिलीज होने वाली है। मुझसे मुकाबला करके कोई जीता हो, अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बना है। मुझे पहले से ही रिकॉर्ड्स तोड़ने की आदत है। नंबर 10 प्लेस पे जलसा। जलसा बॉलीवुड की आने वाली एक सोशल ड्रामा थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में विद्या बालन और शेफाली शाह जैसी बेहतरीन एक्टर्स एक साथ दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म में विद्या बालन एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही हैं, और फिल्म में शेफाली शाह एक कुक का रोल प्ले कर रही हैं। फिल्म को डायरेक्शन दिया सुरेश त्रिवेणी, जो कि तुम्हारी सुलू जैसी क्रिटिकल अक्लेम फिल्म बना। फिल्म को 18 मार्च को रिलीज करने वाले हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। नंबर 9 पे बच्चन पांडे। बच्चन पांडे अक्षय कुमार की आने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर काफी अच्छा था, और फिल्म के ट्रेलर को ऑडियंस से बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, कृति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक खतरनाक गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म को डायरेक्शन दिया फराज सामजी, और ये बड़ी फिल्म 18 मार्च को रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। मुझे भाई नहीं, गॉडफादर बोलते हैं। नंबर 8 पे ट्रिपल आर। ट्रिपल आर इंडियन सिनेमा के आने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड इंडियन सिनेमा के आने वाली एक बहुत ही बड़ी और इंडियन सिनेमा के आने वाली अब तक की सबसे बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में NTR, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट दिखाई देने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्शन दिया SS राजामौली, जो कि आप सभी को बताएं बाहुबली, मगधीरा, विक्रम मरकुडू
बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में बना चुके हैं। इस फिल्म को 25 मार्च को रिलीज करने वाले हैं थिएटर्स में। नंबर 7 प्लेस पे बेस्ट 2021 में मास्टर जैसे कमाल की मास मसाला फिल्म देने के बाद 2022 में विजय थलापति विजय की ये बीस्ट आने वाली है, जो कि तमिल सिनेमा की आने वाली एक ब्लैक कॉमेडी एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में थलापति विजय के साथ पूजा हेगड़े दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म को डायरेक्शन दिए नेल्सन दिलीप कुमार, जो कि एक बहुत ही प्रॉमिसिंग डायरेक्टर हैं, जो कि कोला मामू कोकिला और डॉक्टर जैसी अच्छी ब्लैक कॉमेडी फिल्म बना चुके हैं। इस फिल्म को अप्रैल के महीने में रिलीज करने वाले हैं। ये फिल्म तमिल के साथ साथ हिंदी और कई और भाषाओं में रिलीज हो सकती है और फिल्म को सन पिक्चर्स प्रोड्यूस किए हैं। नंबर 6 पर अटैक जॉन अब्राहम की आने वाली मोस्ट अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी होस्टेज क्राइसिस पर बेस्ड होने वाली है और फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से इंस्पायर है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम एक सुपर सोल्जर का रोल निभाने वाले हैं। फिल्म में रकुलप्रीत सिंह, जैकलिन, प्रकाश राज और रत्ना पाठक सा दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म को डायरेक्शन दिया लक्स राज आनंद और ये फिल्म 1 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का पार्ट 1 1 अप्रैल को रिलीज हो रहा है, यानी ये फिल्म मल्टीपल पार्ट में रिलीज होने वाली है। नंबर 5 पे जर्सी बॉलीवुड की आने वाली एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म होने वाली है और ये फिल्म 2019 की नेशनल अवार्ड विनिंग तेलुगु फिल्म जर्सी फिल्म का रीमेक होने वाला है, जिस फिल्म में नानी और श्रद्धा श्रीनाथ दिखाई दे चुकी हैं और ये फिल्म काफ़ी अच्छी थी। इस फिल्म के रीमेक में हम सभी को शाहिद कपूर, मुन्नल ठाकुर, पंकज कपूर और रोनित कामरा दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्शन दिया गौतम तिन्नानूरी और ये फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। जी मैं यूँ ही रह गया ना तो वो भी मुझे वैसे ही देखेगा जैसे बाकी सब देखते हैं, उसकी नजरों में से कतरा भी कम मैं होने नहीं दूंगा। नंबर 4 प्लेस पे केजीएफ चैप्टर 2। केजीएफ चैप्टर 2 अनिल शर्मा की आने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जिस फिल्म के लिए सभी लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। फाइनली ये फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। तो आप लोग कौन सी फिल्म देखने वाले हो, आप लोग किस फिल्म को सपोर्ट करने वाले हो, जर्सी या केजीएफ चैप्टर 2, क्योंकि दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होने वाली है। तो आप लोग को लिखकर कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोग किस फिल्म को सपोर्ट करोगे, जर्सी या KGF 2। KGF 2 एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में यस संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी और रवीना टंडन और प्रकाश राज दिखाई देने वाले हैं। वैसे ये फिल्म 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF का सेकेंड पार्ट होने वाला है। इस फिल्म को डायरेक्शन दिया प्रशांत नील। नंबर 3 प्लेस पे हीरोपंती टू टाइगर श्रॉफ की आने वाली एक रोमांटिक एक्शन फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ तारा सुतारिया दिखाई देने वाली है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी दिखाई देने वाले हैं, जो कि इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। ये फिल्म टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म का सीक्वल होने वाला है, जो फिल्म 2040 के मौके पर रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था हीरोपंती और इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ कृति सेनन दिखाई दी थी और ये फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ तारा सुतारिया दिखाई देने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्शन दिया अहमद खान और ये फिल्म 29 अप्रैल को रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। नंबर 2 प्लेस पे आचार्य चिरंजीवी और रामचरण की आने वाली एक बहुत ही बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली, जिसको 140 करोड़ के बजट पे बनाया गया है। इस फिल्म में चिरंजीवी, रामचरण, पूजा हेगड़े, काजल अग्रवाल, सोनू सूद और जीसू सेन गुप्ता दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की लिखावट और फिल्म को डायरेक्शन कोराटाला सिवाय किए हैं और ये फिल्म 29 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। ये फिल्म तेलुगु के साथ साथ हिंदी भाषा में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को हिंदी में पेन स्टूडियो रिलीज करने वाला है। नंबर 1 प्लेस पर रनवे 34 ये अजय देवगन की आने वाली एक हाई ऑक्टेन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से इंस्पायर है, जो कि सच में 2015 के मौके पर हुआ था। इस फिल्म में अजय देवगन एक पायलट का रोल निभा रहे हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन, रकुलप्रीत सिंह, अंगीरा धर, आकांक्षा सिंह, अजय नागर, कैरी मिनाटी और बमन ईरानी इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है अजय देवगन, जो कि उससे पहले सिवाय और यूमी और हम जैसे फिल्मों को डायरेक्शन दे चुके हैं और ये अजय देवगन की तीसरी फिल्म है एज ए डायरेक्टर। इस फिल्म को 29 अप्रैल को रिलीज करने वाले हैं थिएटर्स में। ये थी मार्च से लेकर अप्रैल के महीने में रिलीज होने वाली 15 बड़ी फिल्में आने वाली है। मैं इसमें से 3 फिल्मों के लिए वेट कर रहा हूँ, RRR, KGF 2 और बच्चन पांडे। आप लोग कौन से 3 फिल्म के लिए वेट कर रहे हो, आप लोग को लिखकर कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे मैं ये 3 फिल्म के लिए अभी बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, आप लोग कौन से 3 फिल्म के लिए वेट कर रहे हो आपको लिखकर कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।